नंबर श्रीवास्तव आर के राइट। देखो ये बेंच रहेगी, कहीं नहीं जा सकते तुम, आना ही पड़ेगा। पास होगा, पास होगा। कहाँ जाओ, कब तक दौड़ोगे, कहाँ कहाँ दौड़ोगे? यस, दिस इज द माय सस्पेंशन एप्लीकेशन माय लॉर्ड, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। पहले आप बताइए दरखास्त कौन सी है आपकी, है पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी? पहली, पहली। और डेट ऑफ इंसिडेंस क्या है सर? डेट ऑफ इंसिडेंट इज 2005। डेट बताइए सर। नो, 5 ईयर्स, सॉरी माय लॉर्ड। विड्रॉ नहीं की थी भाई, पढ़ के आना चाहिए सर। सॉरी, सेकंड है, सॉरी माय लॉर्ड, सेकंड। सेकेंड व्हाट? सेकेंड सस्पेंशन एप्लीकेशन। डेट ऑफ इंसिडेंस क्या है? डेट ऑफ इंसिडेंट इज माय लॉर्ड 16/4/2017। 16/4/2017। कस्टडी में कब से हैं? 31/3/2017। 31/3/2017। फैसला कब का है? जो सवाल का जवाब उसका पहले, फैसला कब का है सर? फैसला एसटी नंबर 76/17 और फैसला माय लॉर्ड 29/2/2020। ऑफेंस, ऑफेंस माय लॉर्ड 302/201/34 एंड द एलिगेशन इज दैट ही वाज माय जो सिस्टम है। चलो अब पढ़ो प्रोसिक्यूशन का केस। माय लॉर्ड द प्रोसिक्यूशन केस इन शॉर्ट इज दैट नहीं, शॉर्ट आउट नहीं, ये पढ़ो, ऑर्डर पढ़ो। चलो, आरोप मेरे पे पैरा थ्री, पैरा थ्री आइए। नाम क्या है आपका? मैंने प्रेमवती अपने 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 जान पहचान के व्यक्ति के साथ अपने मैडम जितना सवाल पूछे पर जवाब दे दो, फिर बहस करना। पैराग्राफ तीन अभियोजन की प्रेमवती नाम है इनका, प्रेमवती। अपिलान नंबर 16 अपिलान। चल पैरा थ्री पढ़िए। अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, धीमे धीमे पढ़िएगा कि 31/17 को सूचना कर्ता मोहन पिता हरनारायण कुशवाहा निवासी ग्राम बिलासपुर थाना लांच ने अपने छोटे भाई गोविंद सिंह द्वारा पशु अस्पताल के पास इंदरगढ़ में रात में फांसी लगाने बाबत सूचना प्रदेश P1 पुलिस थाना इंदरगढ़ पर दी। उक्त सूचना पर मर क्रमांक 9/17 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदेश P1 दर्ज किया। पंचायत जांच मृत्यु जांच हेतु सूचना प्रदर्श 8 दी जाकर शव का नक्शा पंचायत नामा प्रदेश P9 तैयार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदेश P7 तैयार किया गया। घटना स्थल के छत के कुंदे से बंदी साड़ी लाल नीले सफेद छाप की जब्ती पंचनामा पीछे अनुसार जब्त की गई। मृतक गोविंद सिंह के शव का परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ P12 किया गया। आकस्मिक मृत्यु जांच मर्ग जांच प्रतिवेदन प्रदेश P16 प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर निरीक्षक YS तोमर अभियोजन साक्षी 13 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदेश P17 दर्ज की गई। मर्ग दौरान साक्षी राघवेंद्र मोहन वृंदावन बलवीर निवासीगण ग्राम बिलासपुर हरगोविंद द्वारा यह कथन किए जाने पर कि मृतक गोविंद सिंह की पत्नी प्रेमवती के अवैध संबंध राजेश कुशवाहा से थे, जिसका मृतक गोविंद द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद अभियुक्त प्रेमवती नहीं मानी। दिनांक 30/17 को श्रीमती प्रेमवती कुशवाहा ने अपने प्रेमी राजेश कुशवाहा एवं उसके साथी बसंती बढ़ई को बुलाकर रात में प्रेमी राजेश कुशवाहा व बसंती बढ़ई के साथ मिलकर गोविंद कुशवाहा को सोते समय राजेश कुशवाहा ने गोविंद की छाती पर बैठकर बसंती बढ़ई गोविंद के पैर पकड़े। प्रेमवती ने गोविंद कुशवाहा को हाथ पकड़ लिए और राजेश ने अपने हाथों से गोविंद का गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य मृतक गोविंद की लाश को साड़ी से गले में फांसी लगाकर पंखा के छत पर कुंदा से मृतक गोविंद की लाश को टांग दिया गया। मर्ग जांच प्रतिवेदन प्रदर्श P16 में उक्ताशय के तथ्य पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन प्रदर्श P16 के आधार पर अभियुक्त राजेश बसंती बड़े ये केस पहले आ चुका है क्या? यस यस, माय लॉर्ड सर, ग्रांटेड suspension to one of the accused, that is Rajesh. If the prosecution story is perused, my lords, then
There is seemingly your wife or you are I am the wife and my son has seen me doing this on the last occasion. My lord said even though Rajesh is the main accused, you are the wife, so you be behind bars for some more days. So I have repeated after my lord, she is a woman and my lord the I agree that ये कौन सी बहस हुई, कितना कितना आपने जघन्य अपराध किया किया है सर. 5 साल हो गए पीरियड ऑफ कस्टडी और जो मेरा एलिगेशन है कि अवैध संबंध है ये कहीं प्रमाणित नहीं है. और सर जो बच्चे का एविडेंस भी देख ले, मेरा बेटा, वो एग्जैगरेशन है. लुकिंग इट टू इन टोटो माय लॉर्ड्स द चाइल्ड हैज डिपोज्ड इन द कोर्ट बट हिज डिपोजिशन इज नॉट इन कोराबोरेशन विद द मेडिकल ऑल्सो माई लॉर्ड्स. माई लॉर्ड बिकॉज इफ माई लॉर्ड पेरुसेस द जजमेंट passed by the learned trial court. पहले तो आपने डरा दिया उसको, तो उसने कुछ भी कह दिया 161 में कोर्ट में जो है ना, आई थिंक 161 yes one suspension has been granted 161 and 164 में उसने यही पूरी स्टोरी बताई. कोर्ट में जाकर के वो उसने टर्न किया इसके द्वारा, राजेश के द्वारा गला दबाना नहीं बताया, बसंती के द्वारा बताया, टर्न हुआ कोर्ट 164 में सपोर्ट किया, 164 में सपोर्ट किया कोर्ट में. कोर्ट में जाकर के इसने ये कह दिया, राघवेंद्र का स्टेटमेंट है PW4 राघवेंद्र. और चूंकि यही उसमें 22/3/2022 को राजेश को ग्रांट हुई थी, उसके बाद 28/3/22 को ऑनरेबल कोर्ट ने इनको डिक्लाइन किया किसी कारण से कि इन्होंने ही पूरा अरेंजमेंट किया था, उसको बुलाया था घर पे, दैट्स व्हाई शी वाज हर बेल वाज दिखता है. मामले में प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार अभियोजन साक्षी राघवेंद्र आसा दो ने घटनास्थल प्रहलाद पटवा के मकान में किराए से रहने से पूर्व अभियुक्त राजेश के मकान में किराए से रहने का कथन किया, किंतु तो साक्षी स्वयं कथन करता है कि राजेश का किराया नहीं दिया था, इसलिए राजेश ने मकान से निकाल दिया था. Where your son living? He is right now staying with my parents. नानी नाना के साथ है. And my lord, this incident has happened, but still I am a mother. I can. Still the lady behind the bars is the mother of that child, my lord. She is the only person. Your client. Yes, she is my client. That is my interest. But I am putting this case because the main accused who throttled the neck. Moreover, there is a difference between throttling. My lord has already taken a note of that. That throttling has been explained. अच्छा अगर तुमको बहस merits पे करना कर लियो. नहीं सर, मैं merits पे नहीं कर रही. Throttling अब क्या difference है throttling में और कायम है strangulation में? Sir. हाँ तो इसमें क्या allegation है? सर इसमें स्ट्रैंगुलेशन और थ्रॉटलिंग में ये है कि थ्रॉटलिंग हुआ है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुआ है. डॉक्टर इतनी अंग्रेजी जानता है सर? डॉक्टर इतनी अंग्रेजी जानता है यहाँ का? अरे भाई थ्रॉटलिंग स्ट्रैंगुलेशन मतलब उन्होंने देखा कि उसमें निशान नहीं है, जो तकिया से दबाया ना उसका गला, इससे थ्रॉटलिंग हो गया. और अगर वो रस्सी से बांध के करता या कुछ करता तो उसमें निशान आते, निशान है नहीं क्यों, ऐसे ही है ना? Yes. निशान नहीं है उसमें, स्ट्रैंगुलेशन होता अगर तो लटकता वो आदमी. लिगेचर के निशान थे इसीलिए माय लॉर्ड हैज ओपाइंड दैट लिगेचर के निशान थे उसके गले पर. राजेश को तो चूंकि वो राघवेंद्र एकमात्र चाइल्ड विटनेस था, उसने उसका रोल बदल दिया, यहाँ वर्जन बदल दिया. दैट्स व्हाई दिस ऑनर उसने क्या कर दिया, राघवेंद्र ने जो उसको पहले उसको गला दबाना बताया था उसका वर्जन बदल दिया यहाँ के कोर्ट में. दैट्स व्हाई दिस ऑनर कोर्ट हैज एक्सटेंडेड इट. यहाँ तो इनका तो उसके बाद हियरिंग हुई और उसके बाद कोर्ट ने डिक्लाइन किया क्योंकि उसको भी बुलाना मोटिव इनके पास था, उसको बुलाना, उसको पूरे को ऑर्गेनाइज करना ये इनका था. काम तो दोनों ने गलत किया, उसको आना भी गलत था उसका. और तीसरी महिला उसका क्या हुआ? वो आदमी है सर, नाम महिला का है. बसंती. बसंती आदमी है, नाम महिला का है. ले बसंती फेमस किस लिए है? शोले. और नाम रख लिए बसंती. बसंती पुत्र सुरेश. नाम ही उसे ड्यूबियस करेक्टर दिख रहा है वो.
सर देखो फिर क्या करोगे, 5 साल तो हो गया, एक को दे चुके हो, कहाँ ऑर्डर कहाँ है? सर का ऑर्डर है 22/3/2022 कनेक्टेड अपील, कनेक्टेड अपील इसी का आधार पर ग्रेटफुल, इसी वाईफाई है, इसी के अंदर पे आया था।